तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, यार कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, इस वीडियो में देख सकते हो कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं आज। जो देखने में गाइस फोटो बहुत ही होसम लग रहा है। आप भी एक गाइस ऐसा फोटो बना सकते हो। हमने स्नैपसीड एप्लीकेशन की मदद से किस फोटो को एडिट किया है। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इस वीडियो को आपको बिना स्किप हुए फुल वॉच करना है, तभी आप इस प्रकार का फोटो एडिट करना सीख पाएंगे। तो देख सकते हो गाइस फोटो बहुत ही अच्छा है। गाइस इसमें हमने बैकग्राउंड और पीएनजी का यूज़ किया है, तो मैं सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा आपको कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो गाइस करते हैं वीडियो शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में घंटे का ऑप्शन को भी ऑल में सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं इस प्रकार की फोटो एडिटिंग वीडियो डालूँ तो सबके पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो गाइस करते हैं वीडियो शुरू। तो आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है गाइस, स्नैपसीड एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। तो इसको ओपन करते हैं, आपके सामने यहाँ पर देखने में मिलेगा गाइस प्लस वाला आइकन। तो आपको प्लस वाला आइकन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस हमारा जो रियल फ़ोटो रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों हमने फ़ोटो ले लिया है, और लेने के बाद आपको यहाँ टूल्स में क्लिक कर देना है। नीचे टूल्स देखने में मिलेगा, तो आपको टूल्स में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको देखने में मिलेगा गाइस यहाँ पर ट्यून मैजिक, तो आपको ट्यून मैजिक में जाना है। जाने के बाद फर्स्ट में ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर लेना है आपको 27+, और इसके नीचे कंट्रास्ट, तो कंट्रास्ट को कुछ नहीं करना, और इसके अंदर सैचुरल तो इसको भी कुछ नहीं करना, और इसके नीचे इसको माइनस कर लेना है गाइस, आपको इसको माइनस करना है। ठीक है मेरे भाई, इसको माइनस 70 रख लेना है। ठीक है गाइस, माइनस 70 कर लेना। ठीक है मेरे भाई, इसके नीचे हाईलाइट, तो हाईलाइट को आपको बढ़ा लेना है प्लस 26, और इसके नीचे शेडो, तो शेडोज को आपको इसको भी बढ़ा लेना है, इसको रख लेना है गाइस आपको 22+। ठीक है मेरे भाई, इतना बजाने के बाद आपको यहाँ राइट वाला आइकन देखने में मिलेगा, तो आपको यहाँ से राइट में क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा चमक आ चुका है हमारे फोटो के ऊपर। आने के बाद आपको टूल्स में जाना है, फिर से टूल्स में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है, और आपको यहाँ पर देखने मिलेगा गाइस पोर्ट्रेट, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से देखने मिलेगा आपको स्मूथ टू, देख लेना नीचे मेरे भाई स्मूथ टू, तो आपको स्मूथ टू में आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन लाइन है गाइस, स्मूथ को इंक्रीज कर लेना है आपको, इसको कर लेना है आपको 75 प्लस कर लेना है, और इसके नीचे वाले को स्किन स्मूथ को इसको 100 रख लेना है गाइस। ठीक है मेरे भाई, उसके नीचे वाले को इसको पूरा 100 रख लेना है गाइस। इसको देख सकते हो गाइस, इसको हमने जैसे बड़े आँखों में चमक आ रहा है, देख सकते हो गाइस आँखों में चमक आ रहा है, तो इसको पूरा 100 कर लेते हैं। तो इतना हो जाने के बाद फाइनली आपको कर देना है राइट में क्लिक कर देना है आपको। ठीक है मेरे भाई, अब देखते हो गाइस जूम करके कितना अच्छा इफेक्ट आया, बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा इफेक्ट आ जाएगा मेरे फोटो के ऊपर। आने के बाद आपको फाइनली टूल्स में क्लिक करने आए, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डबल एक्सपोजर में क्लिक कर देना है गाइस। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन देखने मिलेगा, तो प्लस वाला आइकन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी, तो गाइस यहाँ से मैं पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। और इस पीएनजी को लेने के बाद आपको नीचे तीन ऑप्शन देखने मिलेंगे, तो आपको बीच वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करना, और इधर एड के पास गाइस ये वाला कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने मिलेगा, तो आपको इसमें टैप कर लेना है मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है मेरे भाई, इसमें आप जैसे क्लिक करोगे कुछ इस टाइप से हमारा फोटो हो जाएगा। होने के बाद आपको राइट वाला आइकन में आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, राइट वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीर वाला आइकन देखने मिलेगा क्रॉप, तो आपको इसमें जाना है। जाने के बाद आपको देखने मिलेगा यूज़ एडिट, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। ठीक है मेरे भाई, क्लिक करने के बाद आपको देखने मिलेगा यहाँ पर डबल एक्सपोजर, तो आपको इसमें क्लिक करना, और आपको ब्रश वाला आइकन देखने मिलेगा गाइस। देख सकते हो गाइस यहाँ पर मिटा है और ब्रश वाला है, तो ब्रश वाला आइकन में बीच में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको गाइस यहाँ पर एबीसीट को पूरा 100 रख लेना है यहाँ पर, देखते हो, और जूम कर लेना है, एबीसीट यहाँ 100 रख लेना है, यहाँ पर देखने में मिलेगा आपको नीचे की तरफ। सही से समझना गाइस आप, ताकि यहाँ पर और जूम कर लेना, और कुछ ही प्रकार से है ना कपड़े कपड़े के ऊपर आपको कलर कर लेना है। ठीक है, ओनली गाइस कपड़े कपड़े के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर नहीं करना है, ओनली जो कपड़ा है ना इसके ऊपर ऊपर कलर करना है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि वीडियो फास्ट नहीं हो। तो आपको जितना जूम हो सके ना मेरे भाई, उतना जूम करके इसको ध्यान से करना है। ठीक है, तो फाइनली देख सकते हो दोस्तों कपड़ों में कलर होने के बाद देख सकते हो हमारा फोटो कितना अच्छा लगा है। लगने के बाद आपको फाइनली कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको राइट वाला आइकन में क्लिक कर लेना है।
क्लिक करने के बाद आपको तीर वाला आइकन में क्लिक कर लेना है ऊपर की तरफ। तो तीर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद हम बैक आ जाएंगे और देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा चमक आ चुका है। हम गाइस अब बाकी बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर से आपको टूल्स में जाना है, टूल्स वाला आइकन में, ठीक है, और आपको फिर से यहाँ पर डबल एक्सप्लोर में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस फिर उसी प्रोसेस में आपको क्लिक कर लेना है प्लस वाला आइकन में, और क्लिक करने के बाद आपके सामने गैलरी आ जाएगी। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। तो गाइस ये बैकग्राउंड हमने ऐड कर लिया है, और ऐड करने के बाद आपको सामने तीन ऑप्शन देखने मिलेगा फिर से। तो आपको गाइस ये तीसरा नंबर वाला जो टूल है ना, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपकी लाइन आएगी गाइस, देखो इसको हम माइनस करेंगे ना इधर की तरफ, तो इसकी तरफ खींचेंगे ना इधर की तरफ, तो देखते हो गाइस हमारा फोटो गायब हो जाएगा। तो आपको इधर ही करना है, ठीक है, इसको इधर करने के बाद फोटो गायब हो चुका है। होने के बाद आपको राइट वाले आइकन में क्लिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाइयों। क्लिक करने के बाद आपको फिर से तीर वाले क्रॉप आइकन में आपको चले जाना है। जाने के बाद आपको फिर से यूज एडिट में क्लिक कर लेना है गाइस। आपको इतना तो समझ में आएगा होगा। तो आने के बाद आपको फिर से डबल एक्सप्लोर में आपको क्लिक कर लेना है मेरे भाइयों। क्लिक करने के बाद आपको फिर से ब्रश वाला आइकन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है मेरे भाइयों। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हो एपीसीटी को पूरा शो रख लेना है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ एपीसीटी को पूरा शो रख लेना है, ठीक है मेरे भाइयों। जूम कर लेना अपनी पिक को जितना जूम हो सके, और कुछ इस प्रकार से बॉडी को छोड़ के और अपने बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इस प्रकार से कर लेना है। देख सकते हो गाइस बॉडी को छोड़कर कुछ इस प्रकार से। तो देख सकते हो फ्रेंड कुछ इस टाइप से हमारा फोटो हो जाएगा। होने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, फाइल यहाँ से आपको राइट वाले आइकन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मेरे भाई आपको बैक आ जाना है तीर वाले आइकन में क्लिक करके ऊपर की तरफ, और देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा चमक आ चुका है मेरे फोटो के ऊपर। तो गाइस हम फोटो में लिप्स लगाएंगे यहाँ पर, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको टूल्स में आइकन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आ जाना है, और आपको यहाँ पर देखने मिलेगा ब्रश वाला आइकन। तो ब्रश वाला आइकन में क्लिक कर लेना है, और यहाँ से ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है गाइस, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, और एपीसीटी को 10 रख लेना है। नीचे की तरफ देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आपको इसकी साइज को 10 रख लेना है, और जूम कर लेना है फोटो को, और कुछ इस प्रकार से अपने फोटो के ऊपर ब्रश को चला लेना है। देख सकते हो गाइस कुछ इस टाइप से अपने फोटो के ऊपर ब्रश को चला लेना है, तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा हमारे, और देख सकते हो गाइस बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से कर लेना है मेरे भाई। रखने के बाद आपको राइट वाला आइकन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको टूल्स में आपको एक बार और क्लिक कर लेना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको ट्यून मैजिक में फिर से क्लिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है, और आपको कंट्रास्ट एंड कंट्रास्ट को आपको बढ़ा लेना है, 6+ कर लेना है, और उसके नीचे 6+ तो इसको भी आपको बढ़ा लेना है गाइस। इसको रख लेना है आपको 10+, और इसके नीचे इसको भी बढ़ा लेना है, इसको 30+ कर लेना है। इसके नीचे हाईलाइट तो हाईलाइट को भी आपको बढ़ा लेना है गाइस, इसको 25+ कर लेना है। इसके नीचे शेडोज तो शेडोज को आपको बढ़ा लेना है। इतना हो जाने के बाद आपको फाइनली कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ से राइट वाला आइकन में आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। राइट वाला आइकन में क्लिक करने के बाद गाइस हम बालों में ऑयल पेंट करेंगे, तो इस फोटो को आपको शेयर कर लेना है टूल यूज एप्स के अंदर। तो यहाँ से एक्सपोर्ट में मैं क्लिक कर लेता हूँ, और इसको मैं शेयर वाला आइकन में क्लिक कर लेता हूँ। तो टूल यूज एप्स के अंदर आपको फोटो को शेयर कर लेना है गाइस, टूल विच फोटो, तो इसके अंदर आपको फोटो को शेयर कर लेना है, ठीक है मेरे भाइयों। जैसे आप फोटो शेयर कर लेते हो ना, आपके सामने यहाँ पर नीचे देखने मिलेगा टूल्स टूलिंग गाइस, तो आपको यहाँ से पोर्ट्रेट, तो गाइस आपको यहाँ पर इफेक्ट वाला जो टूल्स आए ना, आपको इसमें क्लिक कर देना है। इफेक्ट में चेन लगा दो ताकि आपको इस प्रकार समझ में आ जाए। तो इफेक्ट में जाना मेरे भाई, इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने मिलेगा सॉफ्ट, तो इसमें आ जाना है आपको, ठीक है। इसमें जाने के बाद गाइस यहाँ से साइज ले सकते हो गाइस, 1-2 जैसा अच्छा लगे गाइस आपको इफेक्ट, वो अच्छा ले लेना है गाइस। तो ये अच्छा लग रहा है हमको 4 नंबर वाला, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से मार्क्स में जाता हूँ गाइस। जाने के बाद आपसे जूम कर लेता हूँ मैं, और कुछ ही प्रकार से अपने बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट आया नहीं, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है मेरे भाई। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, जो भी हमारे ऊपर पार्ट आया ना गाइस बॉडी के ऊपर, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस ये जो भी इफेक्ट कपड़ों के ऊपर आया ना, मैं इसको तो थोड़ा थोड़ा हटा लेता हूँ गाइस। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, आप देख ही सकते हो गाइस फोटो को, बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है। और लगने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, फाइनली यहाँ पर देख सकते हो गाइस अपने हैंड के ऊपर आ चुका है, तो मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ।
तो ज़्यादा नीट आऊँगा कपड़ों के ऊपर गैस, और ऐसे रहने दे। और फोटो को डाउनलोड करने के लिए आपको गैस यहाँ पर राइट में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सेव वाला आइकन देखने मिलेगा फिर से ऊपर की तरफ, तो आपको सेव में क्लिक कर देना है। ये गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गैस जूम करके देख सकते हो गैस फोटो में बहुत अच्छा लुक आ चुका है। मैं गैलरी में जाके तुमको बता दूँ गैस यहाँ पर आ चुका है मेरा फोटो, पोस्ट में देख सकते हो गैस बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गैस ये PNG और ये बैकग्राउंड में आपको गैस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप बहुत ही जल्दी से डाउनलोड कर लेना है। तो गैस मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक।